ओम नमो शंकर नमः। आपको सावन के महीने की चौथे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग गुप्तेश्वर महादेव की ओर प्रस्थान करते हुए और काफ़ी लंबी चौड़ी टीम हमारी कुछ साथी पीछे से आते हुए, हमारे साथी सहपाठी सब गुप्तेश्वर महादेव की ओर प्रस्थान करते हुए। अंकित भाई हमारे जो जानते ही हैं, जैसे कि आप हमारे गाइड यहाँ पर। और सावन के महीने इनकी जिंदगी भी खतरे में नहीं है, ये भी बचे हुए हैं। सावन के महीने के कारण इतने खुल के चल पा रहे हैं। ना मुझे नहीं लगता ये बिना किसी डर भय के ऐसे जाते। प्रणाम। हाँ जी, आज बहुत ही बड़ा आयोजन गुप्तेश्वर महादेव ने। बरसाती मौसम बना हुआ, अपना हमें रौद्र रूप दिखा सकती है। आजकल दिहाड़ी चलती हुई यहाँ पर दीवार रखने की, गायें और बकरों से बचाने के लिए यहाँ पर ऊंची ऊंची दीवार रखी गई हैं ताकि खेतों में ना जा पाए। इस कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत रास्ते की, फिसलन भरा रास्ता। ये हमारे डर्ट राइडर यहाँ पर अंकित सिमवाल साइकिल चलाने के लिए काफी उत्सुक। एक और साथी आ चुके हैं, ये पांडे गांव से हमारे एक और साथी आते हैं पांडे जी। ये हमारी बड़ी चाची और ये हमारी छोटी चाची, लेकिन ना ये अपना शादी के लिए तैयारी करती है। सड़क के रास्ते आ चुके हैं काफ़ी दूर अपने गांव से। अब यहां से हमें जाना है नीचे की ओर, नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे। हमारे अंकित भाई हमारे साथ में, गाइड हमारे। गाइड साहब, आप कुछ बताने चाहेंगे यहां के बारे में, कुछ खास बात? कुछ आप छड़िया के बारे में बता रहे थे, कुछ क्या बता रहा था? वो आपको पता होगा क्या बता रहे थे? वही तो मैं देर से पूछ रहा हूँ क्या बता रहे थे। तो आपको पता होगा ना क्या बता रहे थे, मुझे कैसे बताओ क्या बता रहे? ये हमारे गाइड साहब जो है ना, ये सुबह सुबह लगा के आ रखे हैं कमाने का। पहले ये बोल देते हैं मैं बहुत अच्छा गाइड हूँ, बहुत खतरनाक गाइड हूँ। उसके बाद इनसे पूछा था, इन्हें कुछ पता रहता नहीं है। बताइए क्या बता रहे थे आप? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपका। पहले आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए, आप गाइड हैं कि नहीं, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। वहाँ से तो आप हम पागल बना के लाए, अपना आईडी कार्ड दिखाइए। कहाँ से लाए? अपने गाँव से। अपने गाँव से? तुम्हारा गाँव कहाँ है? ठीक है, ये है सस्ते गाइड, इससे बड़े तो आदमी सस्ते नशे कर ले। और हाँ, हम आपको दिखाते हैं, इन्हें तो कुछ पता है नहीं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक ऊपर बहुत ही बड़ा झरना है जो कि जिसका नाम है छड़िया। अंकित भाई अगर हमारा छाता पकड़े तो हम लोगों को दिखाएं।
वो रहा वो झरना दूर, ये वो झरना इसके बारे में हम बात कर रहे थे, काफ़ी ख़तरनाक। यहाँ पर कभी मौका मिले तो जाएंगे। क्यों के भाई अरे बैरगढ़ गांव में हमें काफ़ी वेलकमिंग लोग दिखे यहाँ। जैसे ये हमारे ये जो है ये इन्हें भारी बांधा रहता है ये देखने के लिए, कोई आए तो उनका वेलकम करने के लिए। क्या हाल है आपके, हाउ आर यू? हाउ आर यू? खींच लेना, मेरी भी खींच भाई, छाते नहीं लाए क्या? लिया थे काफी मज़ेदार। जरा बारिश लगती हुई मंदिर के द्वारा काफ़ी नज़दीक, धीरे धीरे हम मंदिर के नज़दीक पहुँचते हुए, और ये अब जो है घातक रास्ते की शुरुआत अंकिता और ये मीना गिरते पड़ते हुए आते हुए कमर की पूरी स्ट्रेचिंग हो चुकी है कमर में खिंचाव आ गया है, मेरी कमर लचक गई है। हमारी चाची हमारे साहबजादी के लिए आगे से छाता करती हुई, और यहाँ प्रिंसेस हमारी महारानी अपना झगड़ा संभालती और ये बैरगढ़ का रौला यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे मुझे दे दो इसे मेरे को दे दो, मैं पकड़ लूँगा इसे, तुम चलो आगे से। ये हमारी गोदी में जाने को तैयार, चल बच गई तू। बहुत ही खतरनाक तरीके से हमारे अंकित भाई भी आते हुए, गाइड हमारे सबसे पीछे हमारे गाइड जा रहे हैं। ये देखिए काफी ऊपर से आते हैं, काफी दूर से पार करते हुए हम यहाँ इस छाल पहुंच चुके हैं। हाँ आगे मेरे जूते पर हमारे भ्राता श्री, मेरे जूतों में काफी ज्यादा पानी भर चुका है और बहुत दुखी हैं हम, लेकिन खुशी इस बात की कि हम पहुंचने वाले हैं। बम बम बोले हर हर महादेव। है हमारा पुराना स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, ये पहले एक चक्की हुआ करती थी, यहाँ पर लोग गेहूँ आटा पिसाने आते थे। ये चक्की जो है बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसे बनाया गया था, मतलब इसमें बिजली का कोई इस्तेमाल नहीं था, ये चलती थी पानी के बहाव से, और आप देख सकते हैं कितना तेज बहाव पानी का। ओके तू मेरी वीडियो बनाइयो, बल्ले बल्ले। और अंकु भाई एनएसजी कमांडो
पार से इस पार लाते हैं। खतरनाक और मुझे लगता है दैट आई कैन बी एनएसजी कमांडो। छोटे छोटे बच्चों को नदी पार कराने के 10 रुपये ले सकता हूँ मैं यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से बहुत ही सुंदर नज़ारा, लेकिन बहुत डरावना भी, क्योंकि यहाँ पर एक बार आदमी बहा तो उसके बाद कुछ पता नहीं है कहाँ पहुँचेगा सीधा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा। और यहाँ पर ये देवदार के पेड़, देवदार की महक बहुत ही ज़्यादा सुहानी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। देवदार ही देवदार के पेड़ यहाँ पर। और यहाँ पे कभी एक बार हम यहाँ पर नहाने भी आ चुके हैं अपनी माता श्री के साथ। काफ़ी माता श्री के मना करने पर भी हम गए नहाए, मज़ा बहुत आया। लेकिन हमारे यहाँ माना जाता है कि कोई पानी में अगर गिर गया, वो डर गया, तो फिर उसको मतलब कुछ डरावनी चीज़ें जकड़ लेती हैं। और ये लोग हमारे फ़ोटो शूट चलता हुआ है लोगों का। और ये रास्ता अब बना है, वरना हम उस साइड से आते थे। रास्ता उस तरफ से था, नहीं रास्ता तो इस तरफ से ही था, पर मतलब ऊपर से उस साइड से आते थे दूसरी तरफ से। यहाँ हम पहुँचते हैं मंदिर के नज़दीक। दिखाना, अबे व्लॉग बना रहे हैं हम। ये झूका भी लगते हैं। यहाँ पैर पे जिस खून चूसने वाले कीड़े की हम बात कर रहे थे, हिम्मी के पैर पे 2 भी लगे हैं। और हिम्मी के पैर पे 2, इनका तो चूस भी ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है खून। मेरे अंदर तो खून ही नहीं है, चप्पल उतार दो। तुम्हारे अंदर भर सकते हैं वो, अगर हम उनसे मीटिंग रखे तो। और ये हमारे पूजनीय बाबा जोगी जी की समाधियाँ यहाँ पर बनाई हुई। एक समाधि ये है और दूसरे बाबा जी की समाधि है। काफ़ी बाबाओं ने अपना यहाँ पर योगदान दिया है इस मंदिर को सिद्ध साबित करने में। बहुत बड़ी तक्षशिला यहाँ पर, जहाँ पर हम नहाने आते थे पहले। ये वो पूरा नज़ारा मंदिर का। पानी अपने उफान पर है, थोड़ी देर में आपको अगर हो पाएगा तो आगे जाते हैं। सामने एक झरना है, उस झरने तक भी ज़रूर ले चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर यहाँ पर।
पूजा पाठ करके दोबारा अपने काम पे लग चुके हैं। हाँ, हमने आपसे यूँ वादा तो किया था कि आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ से आकर रास्ता है नहीं जाने का, ये रास्ते यहीं ख़त्म हो जाता है और अब दीवार वीवार बन गई है, इसलिए कोई आगे रास्ता जाने का है नहीं। पर वो जो नदी है यहाँ, हम एक बार काफ़ी गहरा है, यहाँ पर हम नहाने आए थे और पानी आज कुछ बारिश के कारण आज जाने में डर भी लग रहा है कि अगर बहे तो फिर बहते हुए ही चले जाएंगे। और ये किसके पेड़ कहा जाता है, पेड़ कहा था मैंने अभी, देवदार। ये देवदार के पेड़ यहाँ पर काफ़ी सारे, शुरुआत में जो है ये जो पंडित जी के बाबाओं की समाधि आप देख रहे हैं, इन बाबाओं ने करीबन 4 से 5 पेड़ यहाँ पर लगाए थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत काफ़ी सारी मात्रा में पेड़ हो चुके हैं। बहुत सुंदर महक इनकी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर महक इनकी। बाकी चलते चलते आगे आपको दिखाते रहेंगे। Oh, yeah, we have a house.